लाहौर बार एसोसिएशन की सदारत का ताज हामिद खान ग्रुप के सर सज गया। सदर की नशिस्त पर आसिम महमूद चीमा 2585 वोट लेकर कामयाब। आसमान जहांगीर ग्रुप के अवैस अहमद काजी 1830 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर मलिक मकसूद 2025 वोट लेकर कामयाब। हामी वुकला का जश्न ढोल की थाप पर भंगड़े। लाहौर बार एसोसिएशन इलेक्शन सीनियर नायब सदर की नशिस्त पर एजाज बसरा 2437 वोट लेकर कामयाब। नायब सदर लाहौर बार मॉडल टाउन सीट पर सैयद मुश्तबा कासमी 3884 वोट लेकर कामयाब। नायब सदर लाहौर बार कैंट सीट पर राणा मंजूर 2357 वोट लेकर कामयाब करार पाए। फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त 3422 वोटों के साथ राजा नुमान अली लेवड़े। समयुल हक ने 3394 वोटों के साथ लाइब्रेरी सेक्रेटरी की नशिस्त जीत ली। जरखाम बट 1874 वोट लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बाद में बनाएंगे, पहले बाबुओं के लिए घर तो बना लें। बुज़दार सरकार ने हुकूमती अहदेदारों और अफसरान को नवाजने का नया तरीका ढूंढ निकाला। बहावलपुर में आला हुकूमती हुकाम की रिहाइशगाहों के लिए मजीद जमीन खरीदने का फैसला। शहर में बिजनेस कम्युनिटी के लिए बड़ी खबर, सन्नती की बजाय जरई जमीन पर भी गोदाम बनाने की इजाजत। अब करोड़ों रुपए मालियत की जगह खरीदने की बजाय जरई जमीन पर भी गोदाम बना सकेंगे। बल्दिया उस्मा 21 रोज में लाइसेंस और नक्शे की मंजूरी देगी। और तालीमी इदारों में मनशियात फरोख करने वाला 7 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। 43 लाख रुपए मालियत की आइस चर्स और नशा आवर गोलियां बरामद कर ली। मुलजिमान तालीमी इदारों और डांस पार्टीज में मनशियात फरोख करते थे। एसपी मुआज ANF की भी कार्रवाई। तालीमी इदारों में तलबा को मनशियात फराहम करने वाली खातीन और ख्वाजा सिरा गिरफ्तार।